हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा जाए। सनशाइन हिंदी टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग की टॉपिक है, ये थर्ड पार्टी वालों के लिए है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो ये आपके लिए है। काफ़ी दिनों से हमने थर्ड पार्टी पर कोई रीडिंग नहीं की थी, तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच। किसका पलड़ा भारी है, उनकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, थर्ड पार्टी के लिए क्या है, एक्शन क्या होगा उनका, जितना हो सके मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आप ही के लिए है, और अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं होती तो कोई बात नहीं, ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। सो जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, सो जितना आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है आप उतना ही लीजिए। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये लग रहा है यहाँ पर कि इनको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहा है, या तो इनके फैमिली में किसी मेंबर को हो रहा है। ठीक है, ये तो थर्ड पार्टी को हो रहा है, या तो आपके पार्टनर को हो रहा है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको फाइनेंस प्रॉब्लम भी है। ठीक है, इनका एक गोल है, इनका एक ड्रीम्स है जो इनको अचीव करना है, इनको पूरा करना है। और आपके पार्टनर की अभी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। सब लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी से निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी से मौन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी इनको रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रही है, कर रहे हैं, बट आपके पार्टनर, अब ये है कि ये ना टूट चुके हैं। ओके, अब ये निकलना चाहते हैं थर्ड पार्टी से। इनके कार्ड्स में देख सकते हैं आप कि बस बहुत हो गया, मैंने बहुत कुछ दिया है, अब मैं नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। इनका रिलेशनशिप मुझे कुछ सही चलते हुए नहीं दिखाई दे रहा। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, वहाँ से निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे, नज़र आए हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसा है कि मैंने बहुत कुछ दिया, अब थक चुकी हूँ मैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की है, सब कुछ सही करने की कोशिश की है। ओके, बट थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड पार्टी का क्या लग रहा है मुझे पता है कि इनको ना पैसा चाहिए, इस तरह का एनर्जी मुझे। पैसों को लेकर कुछ तो है इनके बीच, ठीक है, कि पैसों को लेकर कुछ तो है। हो सकता है किसी ने किसी की काफ़ी ज़्यादा मदद की है पैसों को लेकर, ठीक है, हेल्प की है। बट अब इनका, आपके पार्टनर का यह है कि अब मैं नहीं दे सकता, अब मुझे नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी खुशी नहीं होती या खुशी नहीं होता, इस तरह का एनर्जी मुझे कुछ दिखाई दिया है। आपके पार्टनर यहाँ पर खुश नहीं दिखाई दे रहे मुझे, काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, कुछ सोचते हुए विचारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको यह एहसास हो रहा है कि जो कुछ भी आज आपकी लव लाइफ में, इनके लव लाइफ में जो कुछ भी इनके लाइफ में हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस तरह से हर्ट इन्होंने आपको दिया है। ये भी हर्ट हो रहे हैं आज। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है, अगर ये किसी के बातों में आ गए थे, ओके, किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए थे, आपको इग्नोर कर रहे थे जिसकी वजह से, तो इनको अकल आ रही है, समझ आ रही है कि मैंने सही नहीं किया है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब ये हैप्पी नहीं है, ये जहाँ भी है ये हैप्पी नहीं है, ये खुश नहीं है। ओके, ये दुखी है, परेशान है, आपको मिस करते हुए मुझे दिखाई दिए हैं। सो अगर आपको लग रहा होगा कि थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, मज़े में हैं, तो मैं आपको बता दूं ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आया है। ओके, मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया है, इनका पूरा ध्यान, इनका पूरा फोकस आप पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपको स्पाई काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, इनको रिग्रेट हो रहा है कि किस तरह से इन्होंने आपको चीट किया है, किस तरह से इन्होंने आपको परेशान किया है, आपको हर्ट पहुँचाया है। काफ़ी ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा उम्मीद है कि आप दोनों के बीच सब कुछ सही हो सकता है, अभी भी हो सकता है अगर ये करना चाहें तो, बट किस मुझे लौट हूँ, इस टाइप का सिचुएशन मुझे देख पा रही हूँ मैं। आप देख रहे होंगे इनके हर कार्ड्स में, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हरमेट एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपको मैसेज या कॉल करने के लिए सोच रहे हैं, यहाँ से निकलना चाहते हैं,
थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है यहाँ से निकलना चाहते हैं डेफिनेटली, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर मुझे हैप्पी नहीं दिखाई दिए हैं, खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, इनका तो कुछ लाइफ ही नहीं है, इस तरह का है इनका। सो एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप हो सकते हो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप लोग। साइंस पर बिल्कुल भी ना जाए, मैं और कार्ड्स निकालूंगी, और ऑलमोस्ट सारे साइंस वालों के लिए होती है रीडिंग। सो दुखी दिखाई दे रहे हैं मुझे, परेशान दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। ओके, और देख सकते हैं आप लोग इनके हर कार्ड्स में आ रहे हैं कि इनको मूव ऑन करना है, इनको इस सिचुएशन से आगे बढ़ना है, अभी यहाँ पर वर्क नहीं करना चाहते। और अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच कैरियर है, ओके कैरियर है, तो मैं आपको बता दूँ आपके पार्टनर को बहुत कुछ अचीव करना है। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि जब तक ये अपने गोल अचीव नहीं कर लेते, अपने कैरियर में स्टेबल नहीं हो जाते, तब तक ये आपको नहीं पा सकते हैं, इनके लिए मुश्किल होगा काफ़ी कुछ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है गाइस कि इन्होंने अपने कैरियर की वजह से आपसे दूरियाँ क्रिएट की, कि मुझे बहुत कुछ अभी अचीव करना है, मैं अपने कैरियर में स्टेबल होकर ही तुम्हारे पास लौटूंगा या लौटूंगी, कुछ इस तरह का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा मेष करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, सो हैप्पी नहीं है ये आपके बिना, हैप्पी नहीं है, इनकी पूरी नज़रें आप पर बनी रहती हैं। सो चलिए देखते हैं अब थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। फीलिंग्स मैंने बता दिया है, ओके, कि इनको निकलना है, ये निकलना चाहते हैं यहाँ से। टावर, ओके, टावर मोमेंट लाना चाहते हैं, ये पूरे फिराक में है यहाँ से निकलने के। ओके, पेज ऑफ स्वर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, नाराज़ दिखाई दे रहे हैं मुझे, साथ ही दुखी भी दिखाई दे रहे हैं। सो थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इनका टावर मोमेंट आ जाए, क्योंकि ये आपके जो पार्टनर है वो वहाँ पर वर्क करना ही नहीं चाहते। ओके, वहाँ से निकलना चाहते हैं, तो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं मुझे थर्ड पार्टी के लिए, उनका कुछ तो बहस हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ, या तो टावर मोमेंट इन दोनों के बीच आया है, थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच, या तो आने वाला है इनके बीच, सही से कन्वर्सेशन भी नहीं होते हैं। सो स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए। वाओ, फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, 11-11। सो गाइस, इनकी फीलिंग्स आपके लिए ये है कि हो सकता है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ हैं, हो सकता है। ओके, वाओ, क्या बात है, ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि जो कुछ भी इनके लाइफ में हो रहा है ना, वो थर्ड पार्टी इनको काफ़ी कुछ मजे सिखा रही हैं, ठीक है, काफ़ी कुछ इनको समझा रही है कि देखो, यानी कि ना थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू जानी है, कि इनके लिए क्या सही है, ट्रू लव क्या होता है, ट्रू सोलमेट क्या होता है, ट्रू पर्सन क्या होता है, इन्होंने कहीं ना कहीं ये जाना है। ओके, सच्चा प्यार होता क्या है। सो आपको काफ़ी ज़्यादा मेष कर रहे हैं, अगर इनकी फीलिंग्स मैं आपके लिए देखूँ तो फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, मैरिज का कार्ड आया है, अगर ये आपके ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ हैं तो आपकी तरफ आ रहे हैं, सबको शॉर्ट आउट करेंगे, अगर वो अनमैरिड हैं, आप अनमैरिड हो, तो डेफिनेटली ये मैरिज चाहते हैं। ओके, ये मैरिज चाहते हैं आपके साथ, यूनियन चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, सबको मनाकर, फैमिली को मनाकर, आपके फैमिली को मनाकर, सबके साथ सब कुछ सही करना है, इनको मैरिज करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। आपकी वैल्यू देख रहे हैं, आपको दूर से ही देख रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आप कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ये आपकी वैल्यू देख रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपके जितना परफेक्ट पर्सन इनको कहीं नहीं मिल सकता। ओके, सो बहुत ही जल्दी अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हैं तो कॉन्टैक्ट में आने वाले हैं, कम्युनिकेशन इनकी तरफ से मिलने वाला है आपको। ओके, अगर इनका कैरियर स्टेबल नहीं था तो बहुत ही जल्दी ये अपने गोल को अचीव करने वाले हैं और आपके तरफ आने वाले हैं, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देंगे।
मैरिज का प्रपोजल देंगे, मुझे कुछ ऐसा नज़र आया है यहाँ पर, प्यार ही आपसे काफ़ी ज़्यादा करते हैं, ओके, काफ़ी ज़्यादा लव करते हैं ये आपसे। देखिए शुरुआत देख सकते हैं, लव का कार्ड कहीं पर भी नहीं आया था, बट आपके लिए आया है ये। सो आपके पार्टनर जो हैं आपसे लव काफ़ी ज़्यादा करते हैं, टेन ऑफ पेंटिकल्स। जिस पर्सन ने आपको हर्ट पहुंचाया है, आपको पेन दिया है, ठीक है, ये पार्टनर आकर, ये पर्सन आकर आपसे माफ़ी चाहेंगे। अभी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं कि इस मोड़ से जाऊँ, कैसे अप्रोच करूँ उसे, पता नहीं मानेगी कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, इस टाइप का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। गाइस जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। सो टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, आपके साथ फैमिली देखते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, मैरिज का कार्ड एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ क्या बात है। किंग ऑफ कप्स आपके लिए, इनकी एनर्जी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लव फील कर रहे हैं आपके लिए, ओके। सो ये है इनकी फीलिंग्स आपके लिए। सो गाइस और देखना चाहूँगी मैं इनका अगला कदम क्या होगा, क्या ये स्टैंड लेंगे। क्या होगा इनका अगला कदम थर्ड पार्टी की तरफ, क्या होगा। मुझे टावर मोमेंट आया है थर्ड पार्टी के लिए, ओके, तो टावर मोमेंट इनके भी जाने वाला है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, ये टावर मोमेंट लाने वाले हैं। फिर भी मैं देखना चाहूँगी क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन, क्या होगा इनका अगला कदम। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस थर्ड पार्टी के लिए मुझे ये लग रहा है कि अब इनको यहाँ से निकलना ही है, ओके, अब ये थर्ड पार्टी को अपने लाइफ में नहीं, वो नहीं करना चाहते। अगर थर्ड पार्टी कोई अदर है ना, तो मैं आपको बता दूं कि उनके साथ ये कंटिन्यू नहीं रहना चाहते। और ये थर्ड पार्टी को ऐसा कि मैं तुम्हें अपने पास आने ही नहीं दूंगा, आने ही नहीं दूंगी, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दिया है यहाँ पर। सो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर मुझे। इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए देखना चाहूँगी मैं। सो थर्ड पार्टी से दूर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, दूरियाँ क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके, थर्ड पार्टी एंड अपने भी ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हुए दिखाई दिए हैं आपके पार्टनर मुझे। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, आपके लिए क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन, वाओ क्या बात है। सो देखिए अभी जिस भी सिचुएशन में है, ये खुद को ट्रैप्ड पाते हैं, बंधा हुआ पाते हैं, ओके, अभी फ़िलहाल इनकी एनर्जी ऐसा है कि ये कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि ये तुरंत ही आ जाएंगे यहाँ से निकलकर, तो नो, ये तुरंत ही नहीं होगा, इसके लिए वक्त लगेगा, ओके, सब कुछ सही होने में, सब कुछ शॉर्ट आउट होने में, आपका यूनियन होने में वक्त लगेगा, ये जल्दी ही नहीं होने वाला है। आपका यूनियन होगी बट उसके लिए डिले है अभी, बट ये आपकी तरफ आ रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन का यही आया है, आपका यूनियन होगी, ओके, डिवाइनली गाइडेड है आप दोनों का रिलेशनशिप, तो आपका यूनियन होगी। सो गाइस चलिए देखते हैं आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। सो अगर आप दोनों सिंगल हैं तो डेफिनेटली है आपके पास आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है इनके कार्ड्स में, क्योंकि इनको आपकी वैल्यू हो रही है, ओके, आप कितना मायने रखते हो इनके लिए, इनको वैल्यू हो रही है। क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं, ड्रीम, ओके। सो गाइस जो आपका इंट्यूशन कहता है आप उसे फॉलो कीजिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ओके, मुझे लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ साइंस मिलता है यूनिवर्स की तरफ से, तो फोकस कीजिए उन पर, जो आप चाहते हैं, जैसा लाइफ आप चाहते हैं मैनिफेस्ट कर सकते हो आप, ओके, अगर आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तब मैं आपको बता दूँ आपको पॉजिटिव रहना है, आप थोड़ा सा भी निगेटिव नहीं हो सकते। अगर आप थोड़ा सा भी निगेटिव होते हैं, डाउट करते हैं कि पता नहीं कब होगा, तो जब आप कब लगा देते हो ना, होगा कि नहीं, कब होगा, तब क्या होता है कि वो वर्क नहीं करता जो आप कर रहे हो।
तो अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव रहना है, भरोसा रखना है कि सब कुछ सही होगा आप दोनों के बेस सही वक्त पर, ओके, डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ सही होगा। जैसा लाइफ आप चाहते हैं वो वैसा आप इमेजिन कीजिए। मुझे लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ सपने आते हैं। आपका यूनियन होने से पहले ना आपको सपने आएगा, ठीक है, कि आपका यूनियन होने वाला है, कोई पर्सन, ठीक है, आपकी लाइफ में आने वाला है या आने वाली है, आप ड्रीम्स में देखेंगे। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा देखते हो आपके पार्टनर को, या तो आपके पार्टनर को आपके सपने आ रहे हैं। सो अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद को हील कीजिए। लेजीनेस, दोनों अपने लाइफ को लेकर लेजी नहीं होने हैं, अपने लव लाइफ को लेकर लेजी नहीं होने हैं। गाइस, आपको बहुत ही जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाला है, ओके, बहुत ही जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाला है आपको। बट आपको अपने करियर पर फोकस करना है, अपने लाइफ पर फोकस करना है। जो आप ऐसे रोते धोते हैं, परेशान होते हैं कि पता नहीं कब होगा, तो नो, ऐसा नहीं करना है आपको। सोशली देखते हैं श्राइन बाबा का मैसेज आपके लिए क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं श्राइन बाबा आपको, क्या मैसेज देना चाहते हैं श्राइन बाबा आपको। जीवन उद्देश्य, तो देखिए जो आपका लाइफ पर्पस है, आप अपने लाइफ पर्पस पर फोकस कीजिए, ओके, मत ध्यान दीजिए कि आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना आपने शन किया है, कितना पेन आपको मिला है। आपको इस समय अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। बदलाव, तो आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ये हमेशा के लिए ये सिचुएशन रहने वाला नहीं है, ओके, तो चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, तारतम्य, तो अपने लाइफ को आप बैलेंस में रखिए, मन शरीर एवं आत्मा को, ठीक है, बैलेंस में रखिए। जो आपका इंट्यूशन कहता है वो सोचें, जो आपका इंट्यूशन कहता है वो करें, अपने इंट्यूशन का करना चाहिए, आपको भरोसा रखना चाहिए, ओके, अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखें, वो कर रहे हैं वो सही है। सो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं करते तो आपको करना चाहिए, आपको एक चुंबक की तरह बनना है, ओके, जो आप चाहते उसे आपको आकर्षित करना है। तो अगर आप किसी के पीछे पड़े हो, यानी कि किसी को चेस करते हो, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए यही है कि आपको चुंबक की तरह बनना है। मत करें ऐसा कि काश यार वो एक बार बात कर ले, आप खुद को ऐसा बनाइए कि वो ऐसा कहे, सामने वाला पर्सन ऐसा कहे कि काश यार उससे एक बार बात हो जाए, ओके, आपको चुंबक की तरह बनना है, मजबूत बनना है आपको। सो मेडिटेशन कीजिए, खुद को हील कीजिए आप, रोना धोना नहीं है, रोने से कुछ नहीं होने वाला, ओके। सो अपने फैमिली में फोकस कीजिए। सो गाइस, यही थी आज की हमारी रीडिंग, आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर, बाय।